तिरंगे में लता से दिखाई दे रही क्या कहना चाहते हैं लता जी ने जो गीत गाया है मेरे वतन के लोगों को सारे संसार में और ये चित्र मुझे मिला है बहुत बोला चाहिए कि कल्पना से बाहर गिरा ना बाकी ये स्टूडियो का है स्टूडियो के अंदर गीत गाते हुए हमेशा उन्होंने जीवन के हर संकट को हंसते हंसते मुकुल किया गंभीरता उनके जीवन में बनी हुई थी और लास्ट में वही दे हुआ अभी फूल इसको हम कुछ करके थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे फूल का फूल भी रखना चाहिए तीन इस तरफ ठीक अच्छे आपका स्वागत है मैं हूं पवन भारद्वाज स्वरूपी मल्लिका और लता जी आप हमारे बीच में ही थे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरह से सौगाते दे रहे हैं आज हम पहुंचे हैं रहेजा क्लासिक क्लब जहां पर लता जी की कुछ पेंटिंग है जो फोटो आपने आज तक देखा नहीं वैसे ऐसी पेंटिंग है जिन्होंने तैयार किया हम उसकी बात करें राज सैनी है जो भोपाल से है करते हम आपको सारी पेंटिंग दिखाएंगे आप देख सकते हैं मैंने आज के आज
सालों से आप ये बनाते आ रहे हैं सब दिया लगा लो फिर
थोड़ा दूर से लेना, ज्यादा मिलेगा यार। दूर आ जाएंगे थोड़ा दूर और पीछे हो ना भाई, जूम करो थोड़ा सर, बीच में आके कीजिए ना, इधर आके कीजिए तो थोड़ा फ्रेम मिलेगा बैकग्राउंड पे। आ जाइए सर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा पीछे चलो ना, चलो पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आते रहो भाई, कह रहे तीन तीन लोग फुटेज मारो, आइए आइए सर, थोड़ा आगे आगे सकाळा दो मिनट में कोई और वेट कर रहे हैं, ओके सर। कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम यादें छोड़ रही है। नमस्ते, दिस इज साक्षी उल्के सिंगर हियर, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ कि लता जी और मैं इंदौर से ही हैं, तो इंदौर में मेरा जन्म हुआ, ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ। और आज इतने बड़े लोगों के साथ, अनिल सर के साथ मैं बैठी हूँ,
तो मैं वो भी अब बहुत खुशी मानती हूँ कि मैं आज इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। नमस्ते, दिस इज एक्ट्रेस एंड नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा। अनिल भाई इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, यू हैव बीन डूइंग सोशल सर्विसेज इन रियल मैनर। कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये फ़र्क मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सभी मेरे बहुत पुराने मुखातिब रहे हैं मीडिया से, और अनिल भाई जो आज कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द, वो हर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अच्छाई की ओर और हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि बहुत से लोग हमारे सैंपल मिशन की फैमिली में जुड़ते रहें और ऐसे ही ट्रिब्यूट देते रहें। लता जी की तरफ से कुछ भी कहना और गाना बहुत ही मुश्किल है, मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, लेकिन मैं कुछ पैट्रियाटिक उनके लिए गाना चाहूँगी, हमारे देश के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, क्योंकि आज हमारे इंडिया में ब्लैक डे कहा जाता है। और बहुत खूबसूरत दिन पे आपने ये ट्रिब्यूट लता जी की ओर से, उन्होंने जो भी पैट्रियाटिक योगदान जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, रह गए अमर बलिदानी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद मैं अफीफा नडियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पर इस महफिल में मैं हूँ। मैं इनकी तरह गा तो नहीं सकती, पर बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच अब लता जी नहीं रही, लेकिन मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि बचपन से लेके आज तक हमें इनके गाने सुनने और गाने और फिल्मों में बड़े पर्दों में देखने का मौका मिला है। इनसे बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत करना सीखा है इनके गानों से। इनके गानों में हमने अपना दुख भी बयान किया है, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं इनके साथ, इनके गानों के साथ ये सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। और मैं अल्टीमेटली बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिल जी की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया है। एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन, मैन ऑफ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, एंड ही हैज़ डन सो मच फॉर everybody, that I am really, really, really happy and honored to have known you, Anil ji. Thank you so much for having me here. There are two things. Aaj ka din, it's all about love, as you already said. Pyar baantne se pyar badhta hi hai, kabhi kami nahi aati usme. But wo pehel hame karni padti hai. मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी सी हमारी टीम है,
हार्मफुल मिशन की, वो इस कारवा को आगे लेके बढ़ती है। आज एक ऐसा दिन भी है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जितना सुकून और अमन इस देश में आज है, उनकी बदौलत है। उस एक एक शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज हमारे लिए बहुत आसान है एक कमरे में बैठना जहाँ एयर कंडीशन चल रहे हैं, मैं आप मीडिया भाइयों के सामने बैठा हूँ, बट उस बॉर्डर पे जो कुछ भी आज वो फेस करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, हम कितना भी कर लें उनके लिए बहुत कम है। लेट्स ईच वन ऑफ अस अप्लॉड ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय देम फॉर मेकिंग दिस कंट्री अ वेरी ब्लिसफुल और एक आज़ाद देश में जो जीने का लुक्स हम उठा रहे हैं उनकी वजह से उठा रहे हैं। लता दीदी, एक सपना था हमारा कि हम उनके दर्शन कभी कर पाए। सनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास रखा कि दीदी को मिलना है। मैंने कहा सर मैं एक आम आदमी हूँ, दीदी तक पहुँचना मुश्किल है, कोई तरीका ढूंढते हैं। हर किसी के हमारे जीवन में माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है। वो सोच के सबसे पहले पेंटिंग जो राज सैनी साहब के साथ हमने बैठ के बनवाई वो उनके पिताश्री की, कि शायद वो पेंटिंग अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो दीदी हमको अनुमति दे कि हम उनकी ये गैलरी क्रिएट कर सकें। सैनी साहब सौभाग्य हमारा रहा नहीं, लेकिन ये कारवा हमने शुरू कर दिया कि शायद जब वो 100 साल की होंगी तब ये कुछ हम उनको प्रेजेंट कर सकें। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है। इसीलिए आज का ये दिन जो अमन प्यार और शांति का दिन है, विच वी कॉल इट अ वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसी ब्लेस्ड सोल थी वो जिन्होंने सबको प्यार बांटा, और उनके लिए आज से बढ़िया दिन श्रद्धांजलि के लिए हमने और कुछ नहीं सोच पाए। हमने कहा इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता है। दिल भर आता है ये सोच सोच कर कि शायद हम कभी उनसे मिल पाते, वो हमारे साथ ही हमारे दिलों में दफन रहेगा और हम भी एक दिन ऐसी दुनिया छोड़ देंगे। बट यस ब्लेस्ड वी आर कि हम कम से कम ये काम कर पाए। अफसोस नहीं है सनी साहब, लेकिन ये दिल भरा रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, खासकर मैं आप सभी मीडिया भाइयों को जो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पिछले 6 महीने तो मैं निरंतर प्रयास करता रहा, बट मुझे यही पता चला उनकी तबीयत खराब है, नासाज है, क्रिटिकल हैं वो, और वो किसी से नहीं मिल रही हैं। वो अपने आप में जाहिर सी बात है कि कोविड भी रहा उनको लास्ट के दिनों में। जैसे मैंने कहा पूरा प्रयास किया मैंने लास्ट के 6 महीने सनी साहब, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था। हम शायद ऐसे ही उनके दर्शन लिखे थे हम, अगर वो मिल जाती तो हम भाग्यशाली रहते, सौभाग्य होते, हम सौभाग्यशाली रहते। भोपाल से आप हैं, भोपाल से सनी साहब हैं, भोपाल से लता दीदी थी, आई हेल फ्रॉम राजस्थान। बट मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया भाइयों को, हम स्टेट्स में नहीं बटे, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं।
एंड दैट्स द होल क्राइटेरिया कि ये हिंदुस्तान की फनकार थी और इन्होंने इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया जाने के पहले। जिंदगी में कलाकार की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने बात को छोड़ जाए और जो भी विधा ईश्वर उसको देता है यही ईश्वर की चुनी हुई योजना होती है कि संसार में जो भी काम ईश्वर को कराना होते हैं उसके लिए वो कोई ना कोई जरिया बनाता है।